Hey guys, welcome back to my channel. मैं हूं शिपर्णा और आप देख रहे हैं इंटीरियर बाई शोभा। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैं एक इंटीरियर डिजाइनर हूं और मेरे इस चैनल पे मैं इंटीरियर डिजाइन रिलेटेड वीडियो बनाती हूं। एक्चुअली मैं बहुत दिन से सोच रही थी जो मुझे ये वाला वॉल को डेकोरेट करना है, मगर नेट पे तो बहुत सारा आइडियाज मिल ही जाते हैं, मगर वो तो रेंटल फ्रेंडली भी होना चाहिए और सस्टेनेबल भी। तो आज का वीडियो में मैं दिखाऊंगी कैसे थोड़ा सा हट के वॉल को डेकोरेट कर सकते हैं सस्टेनेबल और रेंटल फ्रेंडली तरीके से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिविंग रूम वॉल डेकोर के लिए मुझे सबसे पहले एक DIY बनाना है। इसके लिए मैं यूज करूंगी कुछ फोटो फ्रेम और कुछ प्रिंटेड पेपर जो मैं अमेजोन से खरीदी थी। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ यूज़ करूँगी सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब फ्रेम के साइज़ के हिसाब से मैं सारा पेपर को काट लूँगी। पे आपको 5 अलग अलग प्रिंटेड पेपर मिलेगा जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। इससे आप लोग कोई भी DIY बनाने में यूज़ कर सकते हैं। अब मैं पेपर में ग्लू लगाऊंगी। मैं यहाँ पे ग्लू स्टिक यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अब पेपर को फ्रेम के बोर्ड के ऊपर लगा दूंगी। हमारा एक फ्रेम रेडी हो चुका है। सेम तरीके से मैं दूसरा फ्रेम को भी रेडी कर लूंगी। इस तरीके से मैं 10 फ्रेम रेडी करूंगी। यहाँ पे मैं कुछ ब्लॉक प्रिंटिंग का जो ब्लॉक यूज़ होता है वो वाला ब्लॉक मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। जो डबल साइडर 3mm टेप होता है उसकी मदद से मैं ये ब्लॉक को फ्रेम के ऊपर लगा दूँगी। इस तरीके से मेरा सारा फ्रेम रेडी हो चुका है। अब हमें इसको वॉल पे लगाना है। फ्रेम को वॉल पे लगाने के लिए मैं यहाँ पे डबल साइडर 3M टेप यूज़ कर रही हूँ। ये टेप बहुत इजी से स्टिक हो जाता है और बहुत रेंटल फ्रेंडली भी है। ये वॉल को डैमेज नहीं करता है। ज़रूरत पड़े तो बहुत इजीली आप फ्रेम को वॉल से निकल सकते हैं।
फ्रेम को वॉल से निकालने के लिए आपको फ्रेम को ऊपर की तरफ पुश करना पड़ेगा, तब जाके ये निकल जाएगा। अगर आप सामने के तरफ खींचेंगे तो वो वॉल को डैमेज कर सकता है। अगर आप मेरा कोई भी आइडिया ट्राई करते हैं तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम में टैग करना मत भूलिएगा, मैं उसे स्टोरीज में शेयर कर दूँगी। ये था मेरा वर्ल्ड डेकोर वीडियो। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस टाइप का होम डेकोर वीडियो लाती रहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।